हेलो दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और साल 1975 में इसरो अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी कर रहा था, वो भी सिर्फ एक कंप्यूटर की मदद से जो कि रसिया से उधार में लिया था, एक बाथरूम में बैठकर जो चर्च का हिस्सा था। यहां तक कि इसरो ने अपने डेली के एक सैटेलाइट को भी बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट करवाता था। बट आज की तारीख में इसरो वर्ल्ड की सिक्स टॉप एजेंसी में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। एक सिंगल टेक ऑफ में 104 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। मार्स पर फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी इसरो आज तक एक भी इंसान को स्पेस पर नहीं भेज पाया है। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब नासा 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था तब सिर्फ 11 सालों में इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया था, लेकिन इसको इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इसरो लिमिटेड बजट। दोस्तों बात कुछ ऐसी है ना, इसरो का हमेशा से बजट कम रहा है, इतना कि चंद्रयान 2 के वक्त इसरो के पास नासा से मून सॉइल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। सो इसरो के जियोलॉजिस्ट ने एक जुगाड़ लगाया और एनोर्थो नाम के पत्थर को तमिलनाडु से मंगवाया। अब ये पत्थर मून सॉइल से एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं था, पर उससे काफी हद तक मिलता जुलता था, और इसीलिए उन्होंने इस पत्थर से आर्टिफिशियल चांद की सरफेस बनाई और इस सस्ते जुगाड़ पर अपने मून रोवर को टेस्ट किया और पता लगाया ब्रेकिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट के साथ साथ मून रोवर में 4 की वजह 6 पहिए लगने चाहिए। और अगर हम मंगलयान मिशन की बात करें तो इसरो को वो मिशन सिर्फ 74 मिलियन डॉलर में पूरा करना पड़ा था। मेवेन के लिए करीब 671 मिलियन डॉलर का फंड मिला था, और अगर इतना बजट इसरो को मिला होता तो इसरो अपने मंगलयान मिशन में सिर्फ सैटेलाइट क्या इंसानों को ही मार्स पर भेज चुका होता, क्योंकि इस मिशन में इसरो की टीम का एक्सेप्शन टैलेंट साफ साफ दिखाई देता है। जब उन्होंने बजट कॉन्स्टेंट के चलते मार्स तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता चुनने की बजाय उससे 8 से 9 गुना सस्ता येट एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एपोजी रीजिंग ऑर्बिटल मैनोवर स्ट्रेटजी वाला रास्ता अपनाया था, और फिर भी मंगलयान को सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में सेट कर दिया। इसरो की यही ट्रैकफुल टेक्निक काइंड ऑफ इट इनडायरेक्ट प्रूव है, क्योंकि नासा जैसे एक मैसिव स्पेस जायंट को भी इसरो जैसे कॉम्पेरिटिवली छोटी स्पेस एजेंसी के मून मिशन का डेटा चुराना पड़ा था। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि इसरो इतने कम बजट में इतना कुछ कर डाला, और अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया, और चंद्रयान 3 मिशन को कम से कम कीमत में लॉन्च कर दिया। जहां आदि पुरुष जैसी मूवी को बनाने के लिए हमारे डायरेक्टर 700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं हमारे साइंटिस्ट 615 करोड़ में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है, और इस बार इंटरेस्टली उनका मेन गोल सॉफ्ट लैंडिंग होने वाला है, जो चंद्रयान 2 के वक्त उन्होंने कोशिश किया था मगर मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। सिंपली स्पीकिंग इस करेंटली मिशन पर वो ऐसे कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा जैसे उसके लैंडर में कोई डैमेज ना हो, और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है चंद्रयान लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, भारत वो पहला देश बन सकता है जो उस डाटा से पृथ्वी की जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।